हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार राणा है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, इससे क्वेश्चन दो या एक क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे वायुमंडल से लगभग आ जाते हैं क्वेश्चन। इसमें हमारा टॉपिक जो कवर हो जाता है वो ज्योग्राफी से कवर हो जाते हैं, साइंस से कवर हो जाती है, इसीलिए इस चैप्टर को वो पिकअप करते हैं जिससे वो ज़्यादातर क्वेश्चन दो तीन चैप्टर मिला के बना सके। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेगा और इस चैनल पर जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए। अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा सकेगी, इसीलिए बेल बटन को जरूर दबाइए और 100+ का लाइक का टारगेट आप जरूर पूरा कीजिएगा। तो चलिए पहले नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट से हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो वायुमंडलीय से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जो जिसमें हम दूषित या अनदूषित ये सब भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से वायु प्रदूषक नहीं है, जो यहाँ पर पूछ रहा है वो नहीं है। तो इसमें जो शीशा है ये हमारा वायु प्रदूषक है, कैडमियम है ये हमारा भी वायु प्रदूषक, और एस्बेस्टॉस ये भी है, लेकिन डी जो है हमारा वायु प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, वायु में उपस्थित शीशा के कारण किस अंग से संबंधित रोग हो जाता है। यहाँ पर तंत्रिका से जो संबंधित रोग होते हैं वो हमारा जो होते हैं वो शीशा के कारण हो जाती है। ठीक है, तो जो लोग शीशा की फैक्ट्री में वर्क करते हैं तो उनको यहाँ पर तंत्रिका से जो रोग हो जाती है अधिकतम। ठीक है, और शीशा का यहाँ पर जो दिया है आपसे पूछ भी सकता है, इनका आप पीरियोडिक टेबल में किससे हम दर्शाते हैं, तो यहाँ पर PB से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, और निम्न में से किसकी अधिकता से हृदय संबंधित रोग का रुधिर और दाब हो जाता है। तो यहाँ कैडमियम से हमारा हृदय रोग हो जाता है। और निम्न में से जैव अग्निकारी कौन है, तो जैव अग्निकारी में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जैव अग्निकारी जो है वो पदार्थ जो गलता नहीं हो। ठीक है, जो गलता नहीं हो पर्यावरण में, मान लीजिए प्लास्टिक हो और DDT हो या फिर शीशा हो, ये सब पदार्थ गलते नहीं, तो इन्हीं को कहते हैं जैव अग्निकारी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कौन है, तो फल हमारा गल जाता है, खाद्य पदार्थ ये भी गल जाते हैं, फूल ये भी गल जाते हैं हमारा, लेकिन टप मार्जक जो है ये नहीं गलता है हमारे पर्यावरण के अंदर, ये मिट्टी में धरातल में कहीं पर भी पानी हो या फिर कहीं हो ये गलता नहीं है टप मार्जक, इसीलिए इनको कहते हैं जैव अग्निकारी। जैव अग्निकारी की पहचान करो तो यहाँ प्लास्टिक, DDT, शीशा और उपरोक्त में सभी, तो सभी ये है हमारा जैव अग्निकारी। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर, निम्न में से न्यूनतम मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। सातवें नंबर क्वेश्चन कहता है कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किया जा सकता है वो क्या कहलाता है। देखिए, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किया जाता है वो जैव निम्नकारी कहलाती है। जैव निम्नकारी का मतलब समझे कि निम्नकारी का मतलब है कि हम जो पदार्थ वो गल जाता है वो हमारे पर्यावरण के अंदर। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किया जाता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया के द्वारा वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर कुछ केमिकल प्रोसेस भी हो जाती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर आपको फल हो गए, फल मुर्दा भी हो गए, शरीर बॉडी डेड बॉडी हो गए, ये सब भी आपको एग्जाम्पल में दे सकती है। आठवें नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर वे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर जैव अग्निकारी जो वो नष्ट नहीं कर सकते इनको, क्योंकि ये पदार्थ गलते नहीं हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से जैव निम्नकारी कौन है, तो यहाँ पर मल हो गए, कागज हो गए, मृत्यु जंतु, ये सभी जो हैं एग्जांपल हैं वो जैव निम्नकारी के एग्जांपल हैं। 10th नंबर में क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग प्रतिशत कितनी है, वो 0.03% है, 0.03%। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो हम रोज़ लाते रहते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ। तो 11 नंबर में क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो यहाँ पर 78.09% में हमारा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और इसमें आप कुछ भी डिमेरिट मत कीजिएगा, ऐसे सब क्वेश्चन आ जाएगा, इसको मत छोड़िएगा, 78% है मार दीजिए। ठीक है, 78.0302 भी दिया रहेगा तो मार दिया, लेकिन आपको सेम एज नहीं देगा, सभी जगह 78 नहीं दिया रहेगा, कहीं एक ही 78 दिया रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से किसके कारण जहरीला पदार्थ बनने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO बोलते हैं। CO को अगर आप नहीं देखें तो हम आपको बताते हैं, एक ऑटो ले लीजिए, वहाँ पर एक धुआं निकलने की जो जगह होती है वहाँ पर CO अधिकतर मात्रा में निकलती है। ठीक है, अगर उसके पास अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग कितनी है, तो 21% है वो गैस की मात्रा है। वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, ये ऑक्सीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा लगभग कितनी है? तो 0.93% है आर्गन की मात्रा। क्लोरोफ्लोरो पदार्थ में कौन सा पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? ये क्लोरीन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो पदार्थ कार्बन में कौन सा पदार्थ को ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? ये क्लोरीन पहुंचाता है। क्लोरीन ओजोन को किस में बदल देती है? तो ऑक्सीजन में बदल देती है। और संगमरमर का पीला पड़ना किसके कारण होता है? ये अम्लीय के कारण होता है। बट ये साइंस का क्वेश्चन आ रही है, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत सारे बायो का भी ये क्वेश्चन आ जाती है। तो बहुत सारे चैप्टर को मिलकर ये इन्वायरमेंट चैप्टर एक बना है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए शुरू से लास्ट तक। और 19 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है, ठीक है। एक फार्मूला दिया है H2SO4, इनको मत भूलिएगा। और नाइट्रिक अम्ल का HNO3 दिया है, का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो यहाँ पर 70 से 30% होते हैं, 70% H2SO4 और 30% HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं। वर्तमान में ओजोन परत का क्षयीकरण का प्रमुख कारण बताइए। ओजोन परत का जो वर्तमान में क्षय हो रहा है यानी कि विलुप्त हो रही है, तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरो के कार्बन के कारण हो रही है, ठीक है। वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC के नाम से जानते हैं, इनका फुल फॉर्म ही आता है, ठीक है। CFC का बताइए फुल फॉर्म, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन का प्रमुख साधन क्या है? तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रीज बोलते हैं। सेकेंड नंबर, प्लास्टिक के फोम बनाने के उद्योग में, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं प्लास्टिक के फोम बनाने के इंडस्ट्री में, और विमानों के प्रणोदक में, ठीक है। विमानों से गैस जो निकलती है उनसे, और यहाँ पर उपयुक्त सभी से ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 3-4 ऑप्शन मैंने दे दिया है और यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। और 22 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस पदार्थ के उत्सर्जन से लोगों की मृत्यु हुई है? भोपाल गैस कांड। तो यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको बोलते हैं, साइनाइड से तो ऐसे ही मृत्यु होती है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड ये और ही ज़्यादा होती है। निम्न से अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी गैसें बताइए, ठीक है। तो H2SO2 होता है और NO2। ओजोन गैस का निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन से होती है। निम्न में से पृथ्वी की रक्षा कवच के रूप में कौन करता है? तो यहाँ पर ओजोन मंडल करती है, हमारे पृथ्वी को बचाती है परावैगनी किरण से। यहाँ पर सन से जो परावैगनी किरण जो हमारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ओजोन परत होती है, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत जगह इनका जो होगा वो बोल सकते हैं होल हो गया है, होल टाइप का, इसीलिए थोड़ी बहुत पृथ्वी पर आती है और यही हमें बचाती है, ओजोन परत के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन नंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही है अभी। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य है कि परावैगनी किरणों को रोकना, अभी तो मैंने बताया परावैगनी किरणों को रोकना, पृथ्वी से जाने वाली ऊष्मा को रोकना, नहीं मेरे भाई, अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंडों से पृथ्वी को बचाना, नहीं, सूर्य की ऊष्मा को रोकना, नहीं, लेकिन सूर्य से जो परावैगनी किरण आती है उनको रोकना। निम्न में से अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन है? तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। और निम्न में से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल बताइए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है, SO2 के नाम से जानते हैं। और ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर पाया गया है? तो यहाँ पर अंटार्कटिका पर पाया गया है, अब होल टाइप का आ गया है अंटार्कटिका पर, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन का परत जो क्षयीकरण का क्या कारण है? तो जेट विमान परीक्षण, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव हमारे जो इक्वेटर है यहाँ पर, वो दक्षिणी ध्रुव जो है उन पर जो ओजोन परत का क्षय हुआ है, तो वहाँ पर जेट विमान का जो हवाई जहाज का प्रशिक्षण करते हैं, तो उनसे बहुत सारे जो निकलते हैं गैसेस उन्हीं के कारण वहाँ पर क्षय हुई है, एक होल टाइप की हो गई है, ठीक है। और हरित गृह प्रभाव के कारण निम्न में से मुख्य से कौन से गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ब्लू बेबी सिंड्रोम अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर मेथोही मोगलोबिया, ठीक है, मेथोही मोगलोबिया। और जल प्रदूषण का कारण निम्न से बताइए, तो यहाँ पर जल प्रदूषण का सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन डी नंबर, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक निक्षेप और कवकनाशक, ये तीनों चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, जल प्रदूषण में किसका योगदान है? तो यहाँ पर जल प्रदूषण में सभी चीज़ों का योगदान है, चर्म शोधन उद्योग का, बैटरी उद्योग का, वाहनों के अपशिष्ट, इन तीनों चीज़ों का हमारा है। तो उपयुक्त में यहाँ पर सही भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसके कारण मीन माता, ठीक है, मीन इसको बोलते हैं मीन माता रोग हो जाता है? तो यहाँ पर पारा के कारण हो जाती है, ठीक है, पारा जिसको मरकरी हम बोलते हैं। भूमंडल तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग अब आ गया, ग्लोबल वार्मिंग से भी क्वेश्चन आती है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर हरित गृह प्रभाव गैसों की वृद्धि, ठीक है, CO2 को बढ़ जाना, CO2 का
तापमान हो जाता है वो बढ़ जाती है। और हरित गृह जो है प्रभाव का मुख्य लाभ क्या है, तो यहाँ पर असामयिक कृषि फसलों का उत्पादन करती है, इसी के कारण यहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर आधारित घटना है, तो यहाँ पर ए नंबर में बंद शीशे वाली गाड़ी में तापमान भी बढ़ाते हैं, ठीक है। नर्सरी में हरे पत्ते को भी पर्दे का उपयोग करके, पारदर्शक पर्दे का उपयोग करके भी तापमान को कंट्रोल में रखते हैं। वायुमंडल में रात्रि में तापमान अधिक रहना, ये चारों तीनों कारण जो है वो सही है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पर फ्लोरिसिस नामक रोग जो होता है वो पानी में, वो किसके कारण होता है, ये फ्लोरिन की अधिकता के कारण, ठीक है। और निम्न में से किसकी उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, तो यहाँ पर नाइट्रेट के प्रेजेंट में हो जाती है ये। और नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन तक हम करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन हो गई। और इस चैप्टर से आपको कहीं प्रॉब्लम्स अब नहीं आएगी, इन्वायरमेंट से सारा क्वेश्चन मैंने ले लिया इसके अंदर, और कुछ बचता है तो हम आपको ज़रूर देंगे बाद में भी, ठीक है। हु वाज HOW द्वारा आवासीय क्षेत्रों में रात्रि में कितनी तीव्रता का आदर्श माना जाता है, तो यहाँ पर 45 dB, ठीक है। औद्योगिक वही स्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा अपित्र की उपयोग पाया जाता है, तो यहाँ पर पार्थेनियम और हाथी घास दोनों होती है। निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, तो यहाँ पर CO जो मैंने बताया कि ऑटो से निकलती CO2 और NO2, ये दोनों भी निकलती, कुछ मात्रा कम रहती है, ठीक है। नाइट्रोजन और SO2 ये भी निकलती है, लेकिन H2 ये होती है हमारा नहीं निकलती, H2 हमारा नहीं निकलते वाहन प्रदूषण के कारण। निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो यहाँ पर जेट उड़ान ये ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसको हम अल्ट्रासोनिक वेव भी बोलते हैं, और ये सुपरसोनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निकलती है इनके आवाज़ें। नदियाँ में जल प्रदूषण का माप की जाती है किसके कारण, O2 की घुली हुई मात्रा से, ठीक है, O2 की घुली हुई मात्रा से। लोहे की खानों में काम करने वाले लोगों को लौह सकृत्यमता रोग होने का कारण क्या है, तो यहाँ पर कैडमियम, ठीक है। कैडमियम जो है वो एक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसी के कारण होती है और बहुत ही खतरनाक होती है। निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से अत्यधिक क्रिया करते रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जैसे ही रक्त में जाएगी, अगर आपके नाक से भी चली जाती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको बेहोश कर सकती है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन करती है हमारे बॉडी के अंदर, ये जिसको बोलते हैं खून, ब्लड के से रिएक्शन हो जाती है, और वहाँ पर ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा भी होती है, O2 की मात्रा होती है, और ये CO चला गया, ये तीनों मिलके एक रिएक्शन उत्पन्न कर देती है। हाइड्रोक्लोरो डाइफिनाइल, जिसको हम DDT बोलते हैं, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोइथेन किस प्रकार का प्रदूषक है, तो यहाँ पर जलीय प्रदूषक है, और वायु प्रदूषक नहीं है, मृदा नहीं है, ध्वनि नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सभी का आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं इसका बी आंसर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता का मापक जो होता है, मात्रक किस में हम करते हैं, तो डेसिबल में करते हैं। सामान्य काल द्वारा कम से कम कितनी डेसिबल सुनी जा सकती है, तो यहाँ पर 0 decibel सुनी जाते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है फिजिक्स से रिलेटेड भी है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। और 100+ का लाइक का टारगेट है, आप ज़रूर पूरा कर देना, मेरे फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत से बनाई, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन मुझे मिलता है, एक शेयर करने से बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप ज़रूर 1 या 2 शेयर अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी वो शेयर कीजिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, हम आपको ज़रूर हल उसका देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।